अब एक बार यहां देखो, जैसे ही ऊपर आया इसको तो मार दिया, लेकिन यहां पर ये बंदे बैठे, इनके साथ क्या होने वाला है। और हाँ एक बात और, कल इंडिया बेशक वर्ल्ड कप हार गई, लेकिन हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन इंडियन प्लेयर विराट कोहली ने मारे थे और सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने ली थी। लेकिन हाँ, दुख तो होता है यार हारने का, और इस दुख का बदला मुझे पता है कि मैं तुम लोगों का वो दुख तो कम नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मैच खेल के भाई मैंने अपना दुख हल्का किया है ना भाई, आज ऐसा ऐसा मारा है बंदों को, तुम खुद मेरी आवाज से समझ रहे होंगे कि आज क्या ही करा है मैंने। मतलब आज मैंने DBS उठा लिया भाई। तो तुम इस मैच को ना पूरा देखो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करो कि भाई वर्ल्ड कप का बदला ना। मैंने तो निकाल लिया है, बाकी अगर मेरा मूड और ज्यादा खराब हुआ ना भाई तो पबजी मोबाइल में VPN लगा के ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन चूज करके ऑस्ट्रेलिया वालों को ऐसा मारूंगा ना, तुम लोग क्या बताओ। तो अब तुम एंजॉय करो, देखो भाई इस मैच में ना कम से कम नहीं 25 किल शायद, मैं मुझे याद नहीं है, इतने ही किल निकालने वाला हूँ। और सबसे पहले चलो भाई साहब इनको मारते हैं। और जिस DBS से अभी मेरे टीममेट नॉक हुए हैं ना, मैं उसी DBS से आज पूरी लॉबी को सफा करने वाला हूँ। सबसे पहले वापस आया, मेरे पास लूट नहीं थी, लूट ली और यहीं आता हूँ। और यकीन मानो भाई, ये देखो एक मौली यहाँ फेंकी है, इधर आया इसको नॉक किया, फिनिश किया। अभी देखना अंदर बंदा है, मौली किया लेकिन भाई साहब नहीं चले, ठीक है दोबारा फिर से मौली करूंगा, ठीक है देखते रहना तुम। क्या गेम है ये मुझे नहीं पता भाई, क्या खा रखा है इस गेम ने। ये देखो फिर से आया, ये फिर से फेंकी मौली। अब एक बंदा सामने था रिज के और एक बंदा अंदर था, लेट के पहले फर्स्ट किट लगाता हूँ भैया वो है क्या बात है। और अब देखो जैसे अंदर गया, मतलब भाई कैसे नहीं जला ये बंदा, चल क्या रहा है गेम में। सामने से बंदे का साउंड आया जिसका कि मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले कॉल दिया था, मैं समझ गया इससे पहले कि कुछ को थ्रोबल्स करें। ये देखो भाई साहब ने मौलिक कर भी दी, मैं आया यहाँ पर और ये देखो उसकी टपली दिखी मुझे, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और भाई आज इतना गुस्से में हूँ। और ये और देखो तुम क्यों नहीं फटा ये बंदा भाई, कोई रीजन है इस गेम के पास? कोई रीजन नहीं है। चलो ये नॉक हुआ, इसको फिनिश किया, वापस से आते हैं पीछे। देखो यहाँ ना ज़्यादा देर ओपन में रहना ना बहुत नुकसानदायक हो सकता है, ये बात मुझे पता थी। लेकिन जैसे इधर आए मेरा टीममेट ग्रेनेड से नॉक, राम ज़्यादे एमो खत्म हो गए। और जैसे यहाँ पर आया पता है ना कुछ बोला था मैंने, इसकी पेटी से ही DBS उठाऊंगा। ये देखो उठाइए DBS रिलोड, अंदर एक बंदा, भैया रहने दे रहा हूँ रुक जाइए। कूदा ऊपर से वैनम, चल भाई। अभी DBS का पहला किल है और इस मैच में कितने DBS के किल होने वाले हैं कमेंट करके चलो बता देना मुझे, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, अगर सुतला जाऊं तो इग्नोर कर देना, तबीयत किसी खराब नहीं है भाई। देख रहे हो तुम मेरा ये जंगली पना भाई, आज नहीं छोड़ने वाला भाई किसी को। पिक कर, चल नॉक करूंगा भाई सबको अकेला, किसी को नहीं छोड़ने वाला। अब देखो बेशक मेरी टीम यहाँ नॉक पड़ी है, ठीक है देख रहे हो तुम, लेकिन फिर भी मैं घुसता हूँ अंदर। भाई अब रिवाइव का टाइम बचा ही नहीं है, अभी बस प्लाई करनी है आज, तो पूरा गुस्सा निकालना भाई, पावर का यूज किया। देखो राइट में एक बंदा था, मैं अगर पैदल आता तो मुझे मार देता पहले, उसके अंदर ही है वो। ये फिनिश, फिर ये फिनिश, इससे पहले कि कॉल दे अपने टीममेट को। अब एक बंदा अंदर ही था सामने, लेकिन भाई साहब साउंड नहीं दे रहा था, तो मैंने लगाया थोड़ा सा दिमाग, राइट से दिया एक रोटेशन और ग्रेनेड की पिन ली खींच। खत्म, इसको भी फिनिश किया। अभी इवेंट पे भाई बंदे मारना, मैं रोक नहीं रहा हूँ और मेरे 9 फिनिश हो चुके हैं, तो मुझे नहीं पता कि आज इवेंट पे कितने किल होने वाले हैं। अब जैसे इधर खाली किया तभी यहाँ एक स्क्वाड गाड़ी लेके आ जाती है, ठीक है 4 बंदे। अब ये यहाँ आके कैंप करने लगाते, मैंने बोला तुम भी कैंप करो, जब तक एक आध नॉक ना हो जाए कोई साउंड मत देना।
और फाइनली जैसे ही नॉक निकला जो हमारा प्लान था मैं ऊपर आया। अब इनके दो बंदे नॉक हो चुके, ये तीसरा बंदा नॉक, बचा केवल एक आखिरी बंदा। अब वो चौथा बंदा वो था मेरे दूसरे टीममेट की तरफ, मेरी तरफ है, एक मेरी तरफ है। आ रही तेरी तरफ ही आ रही पूरी। इसके अंदर है। बंदे हैं यहाँ। ठीक है। आ रही तू भी आ रही मेरे को। और इसी के साथ में भाई ये टीम का सफाया हो चुका है और मेरे हो चुके हैं यहाँ पे 10 फिनिश। शायद मुझे लग रहा है एक आध अभी कहीं बचा पड़ा है। नॉक बचा है क्या कोई? चलो भाई साहब उसको फिनिश किया, फिर इसको भी मारा और यहाँ पर इवेंट पे 11 फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि शायद यहाँ पर अब कोई आने वाला है, लेकिन हाँ एक बंदा अभी भी यहाँ पर आ जाता है तो देखो भाई उसको कैसे पकड़ते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आया मेरे टीममेट ने कॉल दी कि वो बंदा उसके पास में है। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ इसको तो मैं ही मारूंगा। मैं आगे आया, ये नॉक किया, मैं फिनिश भाई। आज तो डीवीएस बोलेगी बस मेरी। अब यहां तक तो ठीक था, अब जो भाई अपार्टमेंट पे और कोचिंग की में फाइट होने वाली है उसको एंजॉय करना। तो सबसे पहले जैसे हम लोग यहां से निकलते हैं यहां मुझे दो बंदे दिखाई दिए ओपन में। कोई बात नहीं भाई, आज स्प्रे को छोड़ दो, आज स्प्रे ध्यान मत दो, आज तुम जंगली गेम देखो। ये मत देखो कि बंदूकबाज भाई आज तुम कैसे खेल रहे हो, तुम्हारे स्प्रे खराब जा रहा है, यहाँ ये नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था, आज वो सब पे ध्यान मत दो। आज तुम देखो कि घुसो मारो, जो होगा रिजल्ट देखा जाएगा। अब यहाँ पर आए टीममेट ने बताया कि यहाँ पर उन्होंने एक बंदे को स्पॉट किया और एक को फिनिश भी कर दिया, लेकिन उन्होंने कॉल दी कि अभी यहाँ पर एक और बंदा है सामने कहीं वॉल के आसपास बैठा है। तो मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, उन्होंने मार्क लगाया कि उन्होंने यहाँ देखा था, हो सकता है अभी वहाँ टीपी भी ले रहा हो। मैंने फेंका दीवार से टकरा के लेकिन वो नहीं फटा, लेकिन तब तक वो यहाँ से भाग चुका था। तो मैं पावर का यूज करता हूँ, आगे जाता हूँ और सामने गाड़ी और दिखाई दी। अब जैसे यहाँ पर आया लैग तो हुआ लेकिन बंदा नहीं था, तभी टीममेट ने कॉल दी कि वो पीछे की तरफ भाग रहा है, मैं उसके पीछे जाता हूँ। और अब वो आ चुका था ब्रोकन गैराज पे यहाँ, और यहाँ मुझे उसका आया साउंड। तो मैंने सबसे पहले एक मौली ली, ये फेंका दीवार पर टकरा के। अब मुझे लगा ये मौली से लिट होगा, दीवार के पास होगा भाई, लेकिन ये जस्ट मुंह पे था। मेरे को एम ड्रैग करने में इतना टाइम लगा ना, इतनी तो मेरी एचपी देखो तुम। फाइनली 14 फिनिश हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद में देखो लेफ्ट जहां पर रिकॉल टावर है वहां और अपार्टमेंट में दोनों तरफ एक एक स्क्वाड थी, और ये 16 बंदा गाड़ी लेके पता नहीं भाई साहब क्या सोच के आ रहा था। मेरे टीममेट ने इसको बीच रास्ते में ही स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। खैर अब देखो यहां पर स्नाइपर चल रही थी और अपार्टमेंट से चल रही थी M4। मैंने इनको बोला कि एक काम करो, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, डीबीएस है ना हाथ में, टूट पड़ो अपार्टमेंट, आगे सीधा गाड़ी लेके। जैसे यहां आए भाई साहब यहां की फाइट देखने से पहले मैं तुम लोगों को बस याद दिला देता हूं कि नीचे एक लाइक वाला बटन और एक सब्सक्राइब वाला बटन है, अगर नहीं दबा रखा है तो दबा दो क्योंकि फिर दबाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइट जो है होने वाली है बहुत ही खतरनाक है। अब मेरे एक टीममेट ने भाई ऊपर से एक नॉक निकाला हिल पे जाके, बहुत ही कमाल का आईक्यू लगाया। अब सबसे पहले हम लोग करते हैं इन पे थ्रो बल्स। अब जो बंदा नॉक हुआ था वो तो शायद रिवाइव हो गया होगा, लेकिन यहाँ एक बंदा फिनिश भी हो गया है। और ये मौली फेंकने के बाद में एक मैंने नॉर्मल मौली फेंकी सीधी, और अब देखो मैंने किया इस जंप का यूज, अब देखो तुम क्या होता है। सबसे पहले ये हवा में नॉक, ये दूसरा नॉक, और भाई ये हो गया क्लच कंप्लीट। रुको अभी, जैसे इनको मारा अभी नीचे और भी दो बंदों के फुटप्रिंट आ रहे थे, मैंने बोला इनको तो मैं देखूंगा, मैं गया नीचे सीधा, डीबीएस हाथ में, ये ले भाई नॉक हेड दिया, ये भी नॉक। भाई क्या मारा यहाँ पे, तुम खुश रहो टीममेट से। भगवान भाई डीबीएस पे मजा आ गया।
मतलब सीरियसली भाई साहब, अभी देखो तुम, अभी 19 फिनिश हुए, 20 बंदे अभी बचे, मतलब अभी फाइट होनी बाकी है। अब हमें लग रहा था कि लेफ्ट वाले इस वाली बिल्डिंग में कोई बंदा है, क्योंकि पहले फायर कर रहा था उधर से। हम जैसे यहाँ पर आए, कोई है नहीं यहाँ पे ना, साउंड तो नहीं आ रही, हमें साउंड नहीं आया, बंदा भी नहीं दिखा, मतलब क्लियर था कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए अब हमने यहाँ से निकलने का फैसला किया। क्या पावर का यूज, सीधा गाड़ी पे लैंडिंग, मुख्य वाली पावर चाहिए। और अब हम लोग निकल चुके थे पोचिंग की तरफ, और पोचिंग की में भाई बहुत ही इंटेंस फाइट होती है। अब पोचिंग की में ना भाई मैं बहुत किल उठा सकता था, लेकिन मेरी लक जो था ना, मेरी किस्मत साफ नहीं रही थी। सबसे पहले हम लोग यहाँ आए, फिर हमने एक बंदे को नॉक किया, मैंने दूसरे को नॉक किया। अब इतने में है ना फर्स्ट किट लगाने में जो टाइम वेस्ट करता हूँ, मेरे टीममेट्स आके थ्रोबल्स कर देते हैं, और उसी थ्रोबल्स की बारिश में इनका भाई काम तमाम हो जाता है। ये देखो जैसे मैंने ये मॉली फेंकी, आगे बढ़ता हूँ, एक ओगेन फटता है और भाई पूरी टीम खत्म। गाइस एक नॉक, एक प्ले, अब इस सीन के अलावा पोचिंग के अंदर बंदे थे, क्योंकि वहां से फायरिंग के साउंड आ रहे थे। देखो भाई इसको तो क्या बुरा मारा है भाई, लेकिन जिस टीम को अभी हमने यहाँ मारा था, इस टीम का एक बंदा यहाँ से भाग गया था। मैंने बोला कि एक काम कर दो, वक्त रहते इसे पकड़ लो। अरे जा, और ये बंदा यहाँ से भागने का प्लान बना रहा था। मैंने पावर का यूज किया, सीधा बंदे के मुंह पे लैंड। मुझे पता है कि मैं DBS में चोक कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं इसका ना ऐसा ही नहीं कि मैं इसको डेली चलाता रहता हूँ, मैंने बहुत दिनों बाद उठाई है ये गन और बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। बाय द वे, अगर तुम्हें DBS अच्छी लग रही हो ना मेरे हाथों की, तो बस कमेंट में बता दो कि यस DBS यूज़ करो, बस तुम्हें कुछ मतलब आने वाले गेम प्ले में देखने को मिलती रहेगी। बाय द वे, अभी जल्दी DBS की भी एक स्किन आने वाली है, तो मुझे लग रहा है सब DBS यूज़ करेंगे तब। अब इसके बाद में हम लोग बंदे मिल रहे थे, और जैसी पोचिंग की भाई यहाँ पर एक स्क्वाड बहुत गंदा कैंप कर रही थी। अब हम देखो सबसे पहले उनको ढूंढने का भाई प्रयास करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आए, यहाँ पर तो कोई नहीं, लेकिन तभी थ्री स्टोरी की तरफ से कॉल आती है कि यहाँ पर कोई बंदा है। मैं यूज करके पावर का थ्री स्टोरी की तरफ जाता हूँ। जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर भी कोई नहीं, लेकिन तभी कॉल आती कि दूसरी वाली थ्री स्टोरी पे कुछ बंदे स्पॉट हुए। मतलब स्पॉटिंग देख रहे हो, मेरे टीममेट की गन ग्लिच हुई है उसकी, क्या बात है। पावर का यूज किया, सीधा मुक्का मारा, और ये पहुंचे यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ आया ना भाई, फिर से वही गड़बड़ हुई जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला, मैं आ गया गलत जगह पे, सारे किल उठा लेते मेरे टीममेट्स, देखते जाओ। और यहाँ इतनी कंफ्यूजन होने वाली है, मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि रुको भाई रुको, लेकिन कोई नहीं रुक रहा। अब देखो यहाँ पर मैं फेंकता हूँ ग्रेनेड, भाई उनकी कॉल थी कि ऊपर कोई नहीं है, और मुझे लगा कि शायद कोई बंदा ही नहीं है यहाँ पर, मैं अलग कंफ्यूजन में। तो यहाँ कंफ्यूजन के चक्कर में मेरा टीममेट तो मरा ही, और मैं भी नॉक हुआ, मतलब मैं एक किल और उठा सकता था। खैर जो भी है, 22 किल हो चुके हैं, बचा केवल एक आखिरी बंदा, और इस आखिरी बंदे को देखो मैं कैसे मारने वाला हूँ। ये आखिरी बंदे को ढूंढने में बहुत टाइम लगा, और भाई साहब देखो कहाँ छुपके बैठे हुए थे, देखते जाओ, ठीक है देखते जाओ, देख रहा हूँ। अब हम लोगों ने यहाँ फुटप्रिंट तो आ रहा, लेकिन तभी मेरे को दिखा ड्रॉप के अंदर, भाई देखा ये देखो भाई, मुझे लगा ये मौली साहब बंदे पे गई, ये मारा हेड पे एक DBS का शॉट। अबे पता नहीं कैसे नहीं मारता मैं इसका, गेम तो नहीं था भाई। अब देखो क्या होता है, ये बंदा आता है घर में, टीवी भी लेता है, और सबसे पहले लगाता भैया ये हेल्थ, और इतना टाइम मेरे पास कहाँ था, ले भाई मौली कैच करके टेस्ट बता। और इसी के साथ गाइस मिल चुका है एक डिलीशियस चिकन डिनर। तो भाई कैसा लगा तुम्हें 23 किल्स का बहुत ही अग्रेसिव गेम प्ले? मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, ये मैंने पूरा अपना गुस्सा उतारा था इस गेम प्ले में, जो भाई हमारे
समझ रहे हो ना, कल वाले वर्ल्ड कप मैच में हुआ था। खैर तुम लोग भी, मुझे पता है काफ़ी सारे लोग अपसेट होंगे, पर ऐसी बात नहीं है गाइस, इंडिया टीम बहुत अच्छा खेली है, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। बस वही है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं यार फाइनल में, मुझे पता है वो गलती नहीं होनी चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, हमारी टीम है, हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा हर हाल में, चाहे जैसी भी है तो वो इंडियन टीम है। तो गाइस बाय द वे कमेंट करके बताओ तुम लोग को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक लिए